देखिए, अर्ज ये है कि मसला कश्मीर एक हकीकत है। कोई उसको झुठलाना चाहे तो झुठला नहीं सकता। सलामती काउंसिल के एजेंडे पे है, कोई मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकता। जबर हो रहा है, कोई आंख चुराना चाहे तो चुरा नहीं सकता। और मैंने ममासलत जोड़ दी है फलस्तीन की और कश्मीर की। पाकिस्तान ने अपने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार को सामने रखते हुए, उनकी बसीरत को सामने रखते हुए मसले फलस्तीन पर एक ठोस फैसला किया और तसलसल से किया। मैं सलाम और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को और पाकिस्तान की सेनेट को, जिन्होंने इस पर मुत्तफिका करारदादे पेश की। उन करारदादों की ताकत के बलबूते पर मैंने ये मसला वहां सेक्रेटरी जनरल के साथ और सदर के साथ उठाया और मैंने कहा कि आप देखें, सितम जरीफी तो देखें कि मुमासलत तो देखें, चिंगारी वहां भी है, चिंगारी वहां भी है। अगर उस चिंगारी को आप नहीं बुझाएंगे तो मशरक वुस्ता भड़क जाएगा, और अगर मकबूजा कश्मीर की चिंगारी से आंख चुराएंगे तो बर्रे सगीर पुरमन नहीं रहेगा। अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी निभाए। मैंने जोड़ दिया है, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि मैंने 13 खत लिखे हैं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 13 है, 13 फ्रॉम सिक्स अब फरमा रहे हैं, 13 मैंने 13 खत लिखे हैं सदर जनरल असेंबली को, सलामती काउंसिल के सदर को, और जिसमें मैंने पाकिस्तान का मुकम्मल मुकदमा पेश किया है। और आपने कहा, अभी आपने सुना कि सदर ने कहा कि ये एक डिस्प्यूट है जिसके स्टेटस को कायम रहना चाहिए तावक्त ये फैसला। हिंदुस्तान ने 5 अगस्त के बाद उस स्टेटस को, उस पर जर्ब लगाई है और पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। कुछ आवाजें सुनी गई, कुछ मसलतन खामोश रहे, लेकिन लेकिन मत भूलिए कि 3 नशिस्तें सिक्योरिटी काउंसिल को बादरे नखास्ता इस पर करनी पड़ी, और चाहे एनी अदर आइटम ऑन द एजेंडा की बुनियाद पर ही सही, वो नफी हो गई जो हिंदुस्तान प्रचार करता था कि यह हमारा अंदरूनी मामला है। दुनिया ने एतराफ कर दिया और जनाबे सदर उस बात का एयादा कर रहे हैं कि ये एक ऐसा मसला है जो हल तलब है और उसकी निशानदेही यूएन चार्टर कर रहा है और सलामती काउंसिल की करारदादें कर रही हैं। अब हमें बहसियत कौम के इस पर यकजहती का मुजाहरा भी करना है और अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं और मौके की तलाश में रहना है। और मैं पाकिस्तान की कौम को यह अर्ज करना चाहता हूं, मैं उस मौके की तलाश में हूं। हिंदुस्तान जर्ब लगाए और हम खामोश रहें, ये हो नहीं सकता।